हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ लूनर एक्लिप्स पे, एक्चुअली बहुत इमरजेंसी में बना रही हूँ। मुझे काफ़ी सारे आप लोगों की मेल्स आए कि मैम बहुत एनजाइटी हो रही है, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत इम्बैलेंस हो रहे हैं, बहुत सारे मेल्स आए। तो आई थिंक आई बिलीव ज़्यादातर लोग हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, बिकॉज जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने एक डायमेंशन तक पहुंच गए हैं कि अब ये छोटी मोटी एक्लिप्स का उन पर असर नहीं पड़ता है। बट फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि अगर मेरे चैनल पे कोई मेरा सोल ब्रदर सिस्टर परेशान हो रहा है तो आई मस्ट गाइड। सो छोटा सा वीडियो आपके लिए। पहली चीज़ तो इस एक्लिप्स पे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चंद्र ग्रहण होता है, चंद्रमा हमेशा मन पे प्रभाव करता है, तो मानी बात है। बट ऑब्वियस कि आप लोग थोड़ा सा मेंटली इम्बैलेंस हो गए, अपने पर्सन की याद आ सकती है, राइट, पुरानी बातें याद आ सकती है, एन्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। और जो लोग अभी न्यू हैं उनको हेड में हैवीनेस हो सकती है, शोल्डर पेन हो सकता है, लो बैक पेन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, जो अभी इस न्यू डायमेंशन 4D के लिए अभी प्रिपेयर नहीं हुए हैं, इस फॉरेन डायमेंशन के लिए अभी रेडी नहीं है, ठीक है। तो ये जो पेन होता है इसीलिए होता है, पहली चीज़ कि अगर आप 3D डायमेंशन से अभी ऑपरेट कर रहे हो और आफ्टर द वॉक ऑफ स्पिरिचुअलिटी हम लोग का डायमेंशन, हम लोग 4D में आते हैं। और क्योंकि 4D का डायमेंशन एक हमारे लिए एक फॉरेन डायमेंशन होता है, एक नया डायमेंशन होता है, इसके हम लोग यूज टू नहीं होते हैं। तो उसके लिए यूज टू होने के लिए, इम्यून होने के लिए हमको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। अगेन जब हम 4D से 5D में जाते हैं तब भी यही चीज़, और जिस प्रकार से हर डायमेंशन पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हर नए डायमेंशन पे हमको प्रॉब्लम होती है। इस बात को अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए, जिससे कि आप लोग घबराओ नहीं, परेशान ना हो, ठीक है। तो क्या करना चाहिए ये सब आप लोग जानते हो, ठीक है, कि हम लोग को सॉल्ट बाथ लेना चाहिए, ठीक है, रेस्ट करना चाहिए, नेचर के करीब जाना चाहिए, ठीक है, मंत्र चैंटिंग करना चाहिए जिससे कि आपके अंदर अच्छी वाइब्रेशंस जाए, पॉजिटिविटी आए, ठीक है। जब जो लोग करते रहते हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और सूदिंग म्यूज़िक, जो भी आपको पसंद है हॉबी वो करिए। अच्छा फूड बना के खा सकते हैं, लेकिन सात्विक फूड, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, कोई इतनी तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन मैं कुछ अपनी भी गाइडलाइंस देना चाहूँगी, क्योंकि बेसिकली इस दिन सब चीज़ें होती हैं, हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको एंजाइटी किस बात की होती है, हमारे पर्सन की होती है, ये ठीक है। हमको सबसे ज़्यादा याद किसकी आती है, हमारे पर्सन की आती है, ठीक है। और डेफिनेटली हमारा सेपरेशन हुआ रहता है इसलिए हम याद कर रहे हैं, ओके। तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में सोचने की ये है कि जिस यूनिवर्स ने आपको अपने पर्सन से अलग किया है, वो यूनिवर्स एक सेकंड में आपके पर्सन को आपसे मिला सकता है। तो किस बात की चिंता, तो पहले उस यूनिवर्स को तो प्रसन्न करिए। कई लोगों के लिए यूनिवर्स को ही, डिवाइन को सरेंडर होना ही बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा ये बात को नोट कर लीजिए कि जिस यूनिवर्स ने मेरे पर्सन से मुझको अलग किया है, उस यूनिवर्स के लिए बाएं हाथ का खेल है हम दोनों को मिलाना। तो पहले हमें शांति से अपनी इस जर्नी पे चलूं, ठीक है, और यूनिवर्स को प्रेम करूं, प्यार करूं, खुद को प्रूव करूं, तो यूनिवर्स तो मुझे मेरे पर्सन से मिला ही देगा। ये पॉइंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा इस आज के दिन अपने पर्सन की ही याद आती है, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों कि ये वीडियो को आप लोग हर एक्लिप्स पे सुनिए, अगर आप लोग अब यूज टू नहीं है तो। जब तक आप अपने पर्सन को कम्प्लीटली लेट गो नहीं करते हैं, कम्प्लीटली लेट गो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, आप लोग अज्यूम करिए कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपके किसी फ्रेंड से आपसे 2 या 3 महीने पहले कोई छोटी सी बात हो गई, ठीक है, छोटी सी बात हो गई कुछ, हाँ वो नाराज़ हो गया
और आपके लिए क्योंकि वो इतना मायने रखता नहीं है, तो आप भी भूल गए कि चलो ठीक है, आपने लेट गो कर दिया क्योंकि वो इंसान इतना मायने रखता नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है, 3-4 महीने आपने बिल्कुल डिटैचमेंट में रहे एक उस अपने दोस्त से, अपने मित्र से, और 4-5 महीने के बाद आप किसी पार्टी में मिले और उस मित्र ने आके आपसे कहा कि आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट डे और लाइक दिस, तो आपको लगेगा ना कि आप भी मतलब आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार चलो ठीक है भूल जाओ। तो कैसे हुआ ये मैजिक, कैसे हुआ ये मैजिक? ऐसे हुआ कि आपने कम्प्लीटली लेट गो किया अपने मित्र को, ना तो आप उसकी डीपी देख रहे थे, ना आप उसके बारे में सोच रहे थे, ना आप उसके बारे में किसी से बात कर रहे थे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं था आपकी लाइफ में, इसलिए आप भी आराम से अपनी लाइफ में थे और आप कम्प्लीट अटैचमेंट में चले गए और वो एक दिन आपके सामने आके खड़ा हो गया। बस आपको अपने पर्सन को ऐसे ही ट्रीट करना है। अब अगर आप ये सोचते रहोगे कि डीपी देख लें, उसको कहीं से स्टॉक कर लें, या उस या फुल न्यू मून पे उसको याद करें बैठ के, तो कैसे होगा दोस्तों? कम्प्लीटली लेट गो इसी को ही बोलते हैं, राइट? श्रावणी, आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया था, इसलिए मुझे आपका नाम लेना पड़ रहा है। आपने मुझसे पूछा था कि मैम जब हमारे दिल में इतना प्यार होता है तो यूनिवर्स हमारी इतनी परीक्षा क्यों लेता है, कि क्यों हमें हमारा प्यार नहीं मिलता, फिर या फिर हमें इतना प्यार हमारे दिल में भरा ही क्यों अगर हमें वो प्यार नहीं मिलना है। और मैंने आपका क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर लिया है बिकॉज ये चीज़ हर किसी के साथ होती है, तो मुझे इसका जवाब देना ज़रूरी था। देखिए, आपके अंदर प्यार भरा है इसलिए यूनिवर्स ने आपको चुना है, पहली चीज़। और जिसके पास जो होता है वो ही दे सकता है, सो आप चुने गए हो, राइट? तो अब आपके अंदर अगर प्यार भरा है, तो आपके अंदर जो प्यार भरा हुआ है और आपके अंदर प्यार भरा है उस प्यार को सब पे निछावर करने के लिए, किसी एक पे नहीं। तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे अंदर इतना प्यार है फिर हमको प्यार क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आपके अंदर जो प्यार भरा हुआ है वो आपको सब में बांटना है, ठीक है, एक में नहीं। खैर दोस्तों, इस जर्नी पे चलने के लिए मैं कुछ और आपको टिप्स देना चाहूँगी इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको काम आएगी। सबसे पहले चीज़ तो है, आपको इस जर्नी में जब भी कोई ट्रिगर्स होते हैं, मतलब जैसे हम जो हाउ टू हील द इशू की बात करते हैं, हाउ टू हील द इशूज़, तो सबसे पहली चीज़ जब भी कोई ट्रिगर करता है आपको, तो आप अलर्ट रहिए और उस पर रिएक्ट मत करिए, ठीक है? किसी ने आपको एंगर, आपको ऐसा कुछ बोल दिया जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, तो डोंट ट्रिगर। आप ये सोचिए कि मेरा टेस्ट हो रहा है, मुझे ट्रिगर किया जा रहा है। तो इस जर्नी में ना आप अपने इश्यूज ऐसे ही हील कर सकते हैं। हर ट्रिगर को सहिए, सहिए इन द सेंस कि आप अलर्ट रहिए कि मुझे ट्रिगर किया जा रहा है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे ट्रिगर किया जा रहा है। ये ट्रिगर ही आपके टेस्ट होते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को पता नहीं होती है, और ये होता है कि हम पूरी जर्नी चलने के बाद जब फाइनली हमारा टेस्ट होता है तब हम लोग फेल हो जाते हैं, हम लोग बैक टू ज़ीरो हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये पॉइंट को कहीं लिख लीजिए कि अगर ट्रिगर्स आपको आ रहे हैं किसी के भी, कोई आपको इरिटेट कर रहा है, कोई आप पे फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको उसको टेस्ट समझना है। यहाँ तक कि भगवान भी टेस्ट लेता है आपके पर्सन की, आपको बार बार याद आएगी, उसके नाम उसके साइन दिखाया जाएगा, जिससे कि आपका डिटैचमेंट में जो आप हो आप कमज़ोर पड़ जाओ, पर आपको उससे भी ट्रिगर नहीं होना है। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, ठीक है, वीडियो में आपको बहुत आसानी से कुछ मेरी इम्पॉर्टेंट टिप्स मिल रही हैं, बट दीज आर ऑल वेरी वैल्यूएबल बिकॉज ये सारी बातें मेरे एक्सपीरियंस की हैं। ये बातें कहीं भी लिखी हुई नहीं हैं, ये सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को जो इतना इजीली दे रही हूँ, दे आर ऑल वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें यही हम मार खा जाते हैं सीरियसली, ठीक है? हमको आप डिटैचमेंट में हो, आपको आपके पर्सन की याद आ रही है, कहीं नाम दिख रहा है, कहीं कहीं कुछ कुछ साइंस मिल रहे हैं, तो ये साइन मिलना भी आपका टेस्ट होता है, कि आप साइन मिलने से आप फिर से आप बहक ना जाएं, आप कमज़ोर ना पड़ जाएं, आपको फर्म रहना है। और इस वक्त सब
ग्रहण के आसपास सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। आपको बाबा नाम दिखेगा, आपको बाबा साइन मिलेंगे, यूनियन होने वाला है राइट समटाइम्स। और आप लोग सोचो कि आप लोग कमज़ोर पड़ जाओगे कि क्यों साइन तो दिख रहा है, फिर कुछ हो क्यों नहीं रहा है, फिर इसी बहाने आप लोग अपने पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर दोगे एंड वन फाइन डे आप अपने टेस्ट में फेल हो जाओगे। ये मिलियन डॉलर बातें बता रही हूँ दोस्तों, कहीं नहीं लिखी गई हैं, ठीक है। तो इस वक्त करना क्या है आपको, इस वक्त आपको अपने अपने आप पे फोकस होना है, अपने इश्यूज़ पे फोकस होना है, अपनी फैमिली पे फोकस होना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ या बच्चे हैं उन पे फोकस होइए, उनकी जिम्मेदारियों पे फोकस होइए, ठीक है। अगर आप यंगस्टर्स हैं तो आपके पेरेंट्स हैं उन पे फोकस होइए, अपने काम पे फोकस होइए, अपने क्योंकि ऑल ऑफ यू आर डिवाइन फेमिनिन, डेफिनेटली आपको अपने मैस्कुलिन साइड को भी फर्म करना है, राइट। तो आपको अपने पढ़ाई पे फोकस होना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपनी फैमिली पे फोकस करना है, ठीक है। खुद की सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है, खुद की इमोशनल ग्रोथ पे, खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, ठीक है, खुद की फिजिकल ग्रोथ पे फोकस करना है। तो इस बार बहुत सारे काम हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस एक्लिप्स पे बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है। यूनिवर्स पे फेथ रखिए, यूनिवर्स को प्यार करिए, यूनिवर्स ही आपको आपके पर्सन से मिला सकता है, ठीक है। सॉल्ट बैथ करिए, सेंधा नमक का जो बैथ होता है, नेचर के करीब जाइए, वॉक पे जाइए, गार्डन पे जाइए, सूदिंग म्यूज़िक सुनिए, अपने पसंद का कोई खाना है वो बनाइए, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी आप करते हैं, ट्राई टू शिफ्ट योर फोकस दिस वे, ठीक है। अपने फोकस को शिफ्ट करना है, रोना नहीं है, और ज़्यादा ही है तो गोल्डन हार्ट मेडिटेशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।